इस बहुत गंदा कुत्ता पीछे पड़ चुका है, अपना हो चुका है यहाँ पे 3000 का नुकसान हो चुका है कैंसिल पता। सो ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है कल की तरह रात को 11 बजे, और ये है मेरे जोमेटो बॉय डिलीवरी पार्ट 3। इसमें मतलब कि वही मैं करने वाला हूँ, 3 दिन तक जोमेटो में मैं काम करूँगा। जितना भी मुझे पैसा मिलेगा मैं उसको जाके कुछ खाना वाना खरीद के जो मतलब अगल बगल में जितने भी छोटे छोटे बच्चे मैं उनको डोनेट करूँगा। तो ये है उसका पार्ट 3। इसमें मैं अभी 11 बज रहा रात का, मैं एकदम रेडी वेडी हो गया हूँ, खाना वाना खा लिया है मस्त, मैं और गोलू भाई निकलते हैं। लेकिन आज मैं अपने बाइक से ही डिलीवरी करने वाला हूँ, क्योंकि कल मैं किसी और का बाइक लेके गया था, आज मैं अपने खुद के बाइक से डिलीवरी करने जा रहा हूँ। बस यहाँ से रेडी वेडी हो गया हूँ, निकलता हूँ और मिलता हूँ अपने फर्स्ट ऑर्डर को पिक करने के लिए। यहाँ से जैसे ही ऑर्डर गिरता है मैं आपको दिखाऊंगा और कहाँ पर जाना है, क्या है, कैसे है, इस ब्लॉग में भी मैं वही दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरा कल वाला वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट जरूर करना अपने भाई को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस हमारे साथ आज फिर से ये जा रहे हैं, ये तो निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं है, हमेशा बैठा ही रहता है, इसको बैठे रहने दो। गोलू भाई रेडी, आज भी कल की तरह मजा आएगा। सो गाइस पिछले 2 दिनों में मैंने फर्स्ट डे कमाया था 300 के करीब, और सेकंड डे कल भी ऑर्डर मैंने 300 निकाला, तो टोटल 2 दिन का मेरा अर्निंग है 600 रुपया। और देखते हैं आज कितना मैं कमा पाता हूँ। तो सीधा चलता हूँ यहाँ से, बाइक उठाता हूँ और निकलता हूँ राइड पे, और देखता हूँ क्या मिलता है। और आज का मैं कोशिश करूँगा कि 400 निकाल सकूँ, जो 1000 के रेंज में कुछ मतलब यही 20 लोगों को करीब मैं खाना खिला सकूँ एक टाइम का। तो आज का मेरा वही रहेगा टारगेट कि 400 मैं कैसे भी कर लूँ, बस देखते हैं। अगर शिफ्ट बनाना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो बस यहाँ से रेडी होकर निकलते गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस ये रहे दो बंदर, ये हमारे साथ जा रहा है, ये ठंडा पीरा भी लाइट कटा हुआ है। तो अभी मस्त देखते हैं पहला ऑर्डर कहाँ से आता है, क्या आता है, अभी तक तो आया नहीं आता, तो निकलते हैं यहाँ से। और ये रहा हमारा बाइक, इसी को लेके आज फिर डिलीवर करेंगे। 1 hour later। सो गाइस हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया, बिरयानी बोट जाके वहाँ से ऑर्डर रिसीव करना है, तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने। निकल गए गाइस फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए। A few moments later. Guys, ये रहा हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन बिरयानी बोट, यहाँ से हमें रिसीव करना है और हमें ले जाके देना है। हम अपने फर्स्ट लोकेशन पे पहुँच गए, यहाँ से हमें ऑर्डर रिसीव करना, ऑर्डर अभी प्रिपेयर हो रहा है। जैसे हमें ऑर्डर मिलता है ऑर्डर रिसीव करते हैं और यहाँ से लेके चलते हैं। A few moments later. So guys, फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है रिसीव, अब यहाँ से लेके चलते इस ऑर्डर को उसके लोकेशन पे छोड़ने। 1 hour later. So guys, हम अपने फर्स्ट लोकेशन पे आ गए, यहाँ पे इनका खाना डिलीवर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। ऑर्डर लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। पहला ऑर्डर हो चुका है डिलीवर, अब आज यार कुछ खास ऑर्डर मिल नहीं रहा है, तो आज बस बोरिंग रोड अभी आए हैं, अब वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। A few moments later. तो गाइस नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये अच्छा खासा है, उठाइए। सेकंड ऑर्डर हम लोगों ने रिसीव कर लिया, अब चलते हैं उसको वहाँ से रिसीव करने। A few moments later. तो गाइस हमारा दूसरा ऑर्डर हो चुका है कैंसिल, पता नहीं कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हमें मिल चुका है 30 रुपया, अब हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ऑर्डर आने का। 1 hour later. हमारा तीसरा ऑर्डर आ चुका है, अब चलते हैं इसको रिसीव कर। फाइनली यहाँ से अपना खाना रिसीव कर लिए, गोली गए खिलाने, अब चलते। A few moments later. So guys, third order हम लोग करने आ चुके हैं डिलीवर, ये डेस्टिनेशन ही रहा थर्ड ऑर्डर, और यहाँ का है डेस्टिनेशन, यहाँ पे इनको ऑर्डर डिलीवर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं फोर्थ लोकेशन के लिए और फोर्थ ऑर्डर के लिए। तीसरा ऑर्डर हो चुका है डिलीवर, अब फोर्थ ऑर्डर है, उसको जा रहे हैं यहाँ से रिसीव करने, उसका रिसीव करते हैं और फिर उसको लेके चलते हैं डिलीवर करते। 1 hour later. तो गाइस आ गया फोर्थ लोकेशन पे, गोलू भैया जा रहा है खाना लाने, वो लेके आते हैं, तो फिर चलते हैं इसको भी। खाना हो चुका है रिसीव, गोलू भैया लेके आ गए, सो बैठो न्यू जोमेटो में। रिसीव यहाँ से ऑर्डर लेके अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, उसको उसका ऑर्डर डिलीवर करने। A few moments later. So guys, हमारा चौथा खाना भी हो चुका है डिलीवर, अभी तक हम लोगों ने टोटल 124 या 125 रुपए कमाए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया, ये भी रिसीव करते हैं। आ चुका है, चलते इसको रिसीव करने। ड्रायन फ्राइड देखा हुआ, बहुत गंदा कुत्ता पीछे पड़ चुका था। A few moments later. ये रहा लोकेशन, यहीं से हमें ऑर्डर पिक करना है, तो ऑर्डर पिक करते और लेके चलते। वैसे हमारा फोर्थ या फिफ्थ है, हमारा फोर्थ ये है ऑर्डर है, यहाँ पे आए रिसीव करने, अभी टाइम लग रहा है, प्रिपेयर हो रहा है ऑर्डर, जैसे प्रिपेयर होता है हम यहाँ से लेके निकलते हैं उनको देने के लिए। ये रहा हमारे राइडर साहब, जो हेलमेट को बजा दिए है, जो बज चुका है पूरा, अब इसको चेंज करवाना होगा, फिर कल जाके कल उसका भी काम करवा। नया हेलमेट का हो चुका है टूट के नुकसान, अब क्या ही कर सके, 3000 का नुकसान, मेरा नया हेलमेट टूट गया गिर के यार।
बोलो भाई इसको जैसे तैसे करके सेट कर रहे हैं, लेकिन कोई काम का नहीं, अब इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा इसका शीशा। सॉरी गाइस, वैसे ही हमारा फिफ्थ ऑर्डर था, इसी को रिसीव करने आए थे यहाँ पे। हेलमेट बोलू भाई जैसे तैसे करके इसको अभी सेट कर रहे हैं अभी के लिए, जैसे ये ठीक होता है हम लोग ऑर्डर रिसीव तो करने वाले हैं। ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, जैसे ही ठीक होता है ऑर्डर रिसीव करते हैं और लेके निकलते हैं यहाँ से। तब मजा आया बहुत। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, ये रहा खाना। खाना हो चुका है यहाँ से रिसीव, अब लेके चलते हैं इसको देने के लिए जिनका खाना है। आज का भी डिलीवरी कम्प्लीट करके आज हमारा तीसरा दिन था आज का। मतलब हम लोगों ने टोटल आज 5 डिलीवर करा है, जिसमें हमें टोटल कितना मिला है, 236 टोटल हमें मिला है। आज बहुत ही खराब गया आज है, आज टोटल हमें मिला वही 300 के करीब में पूरा, मतलब मिला के हमारा हो गया 900 कुछ रुपए हो गए। तो बस गाइस क्या ही बोलूँ, आज का उतना खास नहीं था। कल और एक दिन पहले वाला जो था वो बहुत ही बढ़िया गया। आज लास्ट दिन था, सोचा था कुछ अच्छा मिलेगा आज, अच्छे से मतलब 1000 कंप्लीट कर देंगे। सो गाइस बस इतना कमा लिया। अब ये 3 दिन में पता चल गया कि जोमेटो डिलीवरी का काम कैसा होता है, राइडर क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं। हम लोग 2-2 घंटे रोज काम करते थे, उसमें हम लोगों ने 3 दिन में करीबन 1000 रुपये कमा लिए हैं। तो बस अब उन पैसों से कल के ब्लॉग में उन पैसों से, वो भी सरप्राइज आपको मिलेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।